सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हमने टेबल के पार्ट टू में हमने देखा था कि हमने यहाँ तक सेलेक्ट एनी स्पेशल कोर्स तक किया था, ठीक है, तो हम इसके आगे का आज करेंगे। तो ये हमने इस स्टडी के अंदर ये फ्रंट फेस और साइज इसके लिख दिए। अब स्टार्ट करते हैं हम स्टडी से, ये वाले टीडी के अंदर स्टडी के लिए एंटर कर दिया। तो इसमें हम वैल्यू पास करते हैं। वैल्यू हम पहले पास क्या करेंगे, ऑप्शन, क्योंकि हमें इसमें ऑप्शन डालना है, ठीक है। ऑप्शन से पहले हमें एक और एट्रीब्यूट यूज़ करना है और टैग यूज़ करना है जिसका नाम है सेलेक्ट। सेलेक्ट डाला, सेलेक्ट टैग को कर दिया हमने बंद। तो इससे क्या हुआ, एक यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट टाइप में ये खुल गया, ठीक है। हम इस पर सेलेक्ट करेंगे या फिर इस पर क्लिक करेंगे तो एक बड़ा सा बॉक्स खुल के आ जाएगा जिसमें सारे कोर्सेज के बारे में लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर डाल देते हैं सेलेक्ट नेम। नेम से पता चलता है कि जो हमने सेलेक्ट बॉक्स बनाया उसका पर्पस क्या है। तो इसमें हम पास कर देते हैं कोर्सेज, ठीक है। उसके बाद एंटर कर दिया हमने, ठीक है। तो हम इसमें वैल्यू हम पास करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या क्या आना चाहिए, ठीक है, अगर हम कुछ करना चाहें, अगर हम कुछ प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसमें क्या क्या होते हैं, ठीक है। जैसे हम पैथन करेंगे तो पैथन होता है इसमें। तो हम इसमें वैल्यू पास सबसे पहले एक टैग और लेते हैं जिसका नाम है ऑप्शन। ऑप्शन ले लिया, इसमें इसका एट्रीब्यूट हम यूज़ करते हैं वैल्यू, ठीक है। वैल्यू में हम डालेंगे जो इस पर डिस्प्ले होगा। तो हम पहला डाल देते हैं क्या, पहला डाल देते हैं कि हम HTML की क्लासेस देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ डाल देते हैं HTML CourseS कोर्सेस, ठीक है। इसके बाद हम कर देते हैं इसे बंद, ठीक है। हाँ, अब रिफ्रेश करके देखते हैं। इस पर सेलेक्ट किया, कुछ नहीं खुला, बस एक दिख रहा, बट ये क्या है पता नहीं है हमें, ठीक है। इससे हमें डिस्प्ले करवाने के लिए हमें इसमें जो हमने यहाँ लिखा हुआ है HTML कोर्सेज लिखा, वो हमें यहाँ फिर से एक बार डालना पड़ेगा, HTML कोर्सेज से रिफ्रेश करते हैं। ये बड़ा हो गया, HTML कोर्सेज आ गया लिखा हुआ, यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं इसको। इसे कॉपी पेस्ट करके हम और कोर्सेज का नाम डाल देते हैं, कंट्रोल सी कर लिया, एंटर कंट्रोल वी, और हम सबको अब चेंज कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पे HTML कोर्सेज लिखा है, हम यहाँ डाल देते हैं CSS, Java, और यहाँ भी हम CSS डाल देते हैं। इसके अंदर हम डाल देते हैं जावा, ठीक है। इसके अंदर हम क्या डाल देते हैं, अब पाइथन, पाइथन के नीचे साइवर, सिक्योरिटी, ठीक है। और यहाँ भी हम चेंज कर देते हैं, साइबर सिक्योरिटी हमने डाल दिया। चेंज कर देंगे जैसे
पास करनी पड़ेगी, हमें यहाँ पे इसकी पास करनी पड़ेगी वैल्यू ऐप डेवलपमेंट, ठीक है। सॉफ्टवेयर डिजाइन हो गया, ठीक है। एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग देते हैं, तो फालतू में कुछ ज़्यादा ही है, हटा दिया। हम इसे करते हैं रिफ्रेश, ये बड़ा हो गया। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करने डालते हैं, हमें जो कोर्स करना है हम उसे यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा है, हमें इसके अंदर और नाम डालना होगा, तो हम उसके वैल्यू को चेंज करेंगे यहाँ से, ठीक है। और हम नाम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं सेलेक्ट यानी स्पेशल कोर्सेज पर, ठीक है। जैसे हमने इतने इतने ऑप्शन वैल्यू पास किए, इसकी साइज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज करनी है तो हम वो कर सकते हैं, किसी किसका नाम ज़्यादा बड़ा है तो हम इससे कोर्सेस हटा देते हैं, या फिर हमें टेबल को उसको टेबल की हाइट विड्थ थोड़ी सी बढ़ानी पड़ जाएगी। कुछ ज़्यादा बड़ा है ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कोर्सेस, परफेक्ट, ठीक है। तो हम यहाँ से ऐसे चूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं, इसके बाद हमारा था, ठीक है, तो यहाँ इसका काम हो गया, सेट वन TDTR बंद हो गया। अब आते हैं कि हमें अब मार्कशीट अपलोड करनी है, तो हम फिर से TR और TD लेंगे, TR के अंदर कितने दो TD होती है, तो दो TD हमने लिया, नीचे कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है, अब विजिबल होगा, दो TD हमने ले लिया। इसे कर देते हैं रिफ्रेश, क्योंकि हमारे पास बॉक्सेस नहीं बचे थे, ठीक है। और हम इसमें पास करते हैं वैल्यू, पहले तो ये हम डाल देंगे कि हमें डालना क्या है वहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल सी कर लिया, यहाँ पे आके एंटर, कंट्रोल वी, यहाँ सेलेक्ट एनी स्पेशल कोर्सेज यहाँ डाल देंगे, अपलोड योर मार्कशीट, ठीक है, रिफ्रेश आ गया, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, ये डाल दिया, हम इस टैग को यहीं पे छोड़ देते हैं, इसको इसका काम हो गया। अब हम आ जाते हैं STD में, ठीक है, STD में इसकी डालते हैं इनपुट, ठीक है, टाइप। अब तो इनपुट जो है वो टाइप किस टाइप का है, हम जो यहाँ पे लेंगे मार्कशीट वो किस क्या होगा, किसी फोल्डर के अंदर कुछ भी है, ठीक है। अगर मेरे डेस्कटॉप के डेस्कटॉप पे ये सब है, ठीक है, तो ये सारे आइकन्स हैं, ठीक है। हम इसके अंदर आते हैं, प्रोग्रामिंग के अंदर गए, ठीक है। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर ये क्या है, ये एक फाइल है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है बट ये एक फाइल है। इसके अंदर आते हैं, ये भी एक फ़ाइल होगी, ठीक है, ये भी एक फ़ाइल है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इसकी इनपुट की जो टाइप की वैल्यू होगी वो हमें डालनी है फाइल, हाँ। तो हमें इसके टाइप की इसकी जो वैल्यू पास करनी है वो करनी है फाइल, तो यहाँ डाल देते हैं फाइल, ठीक है।
अब हमारी जो फाइल होगी वो किस टाइप में होगी, ठीक है। हमें चाहिए कि हमें सिर्फ PNG फाइल चाहिए जिसके एक्सटेंशन PNG हो, तो हम वहाँ पे PNG डालेंगे। JPG हो तो JPG डालेंगे, JPEG हो तो JPEG डालेंगे, ठीक है। तो इसमें हम एक एट्रीब्यूट और यूज़ करते हैं जिसका नाम है एक्सेप्ट डॉट JPG, ठीक है। या फिर हमें यहाँ पर डालना है डॉट PDF, तो सिर्फ ये PDF फाइल लेगा, ठीक है। तो मैं PDF ही डाल देता हूँ क्योंकि मार्कशीट तो ज़्यादा अच्छा PDF में ही रहता है, तो क्योंकि वो क्लियर होता है, ठीक है। ये हमने ले लिया और हम इसे कर देते हैं अब बंद, रिफ्रेश आ गया। एम स्पेस सेलेक्ट करके हम कोई सी फाइल कहीं से भी हम चूज़ कर सकते हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सा है, हम कुछ भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हमें क्या बनाना है, एक चेकबॉक्स बनाना है, ठीक है, जिस पे हम क्लिक करें तो एक्सेप्ट ऑल एग्रीमेंट टाइप में हो जाए वो। तो हम ये लेते हैं, यहाँ तक तो हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कर लिया, एंटर एंटर, कंट्रोल वी, अब अपलोड योर मार्कशीट का तो हमें ज़रूरत है नहीं, तो हम इसे हटा देते हैं, ठीक है। एक TD के अंदर लगते हैं और यहाँ पे टाइप में डाल देते हैं चेकबॉक्स, क्योंकि हमें चेकबॉक्स बनाना है इस बार, ठीक है। एक्सेप्ट की हमें ज़रूरत है नहीं, तो एक्सेप्ट में करना क्या, एक्सेप्ट हम हटा देते हैं। बट नेम में डाल देना है हमें एक्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक बॉक्स यहाँ पे बन जाएगा जिसमें हम क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें ये बना, इसमें हम क्लिक कर दिए, ठीक है। और हमें इसमें वैल्यू पास करनी है, क्या वैल्यू पास किए, वैल्यू वैल्यू में डाले इफ ऑल इन्फॉर्मेशन आर ट्रू, अगर सारी इन्फॉर्मेशन सही है तो ये वैल्यू यहाँ पे काम करे, अदरवाइज नहीं करे, ठीक है। बंद होने के बाद हमें फिर से इसे लिखना पड़ेगा कि ऑल, मतलब जो हमने ये लिखा है, जब हमारे बाहर ये डिस्प्ले हो रही है वो सही है नहीं है, क्योंकि ये तो अंदर की वैल्यू है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें पता चल जाएगा कि हाँ हमने ये डाला है। इसके हम बाद लिखते हैं, एंटर कर देते हैं, हम उसमें यहाँ लिख देंगे इसको, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं, किस में लिखते हैं, फंट में लिखते हैं, फंट टैग लिया, फंट फेस, फेस हम क्या पास किए थे, कैलिबरी, ठीक है। साइज 4 था, इसको बंद कर दो और यहाँ पे लिख दो इफ ऑल इन्फॉर्मेशन इज रीजनी आर ट्रू, ठीक है। ये हो गया, इफ ऑल इन्फॉर्मेशन आर ट्रू तो ये क्लिक हो जाए, ये सीधा सा है। अब हमें एक नया TR लेना है जिसमें हम बनाएंगे सबमिट बटन, या फिर जिसमें बोलते हैं एडमिट बटन। एक TR लिया, उसके अंदर एक TD लिया, एंटर कर दिया हमने, ठीक है। इस TD के अंदर हम वैल्यू पास करते हैं, इनपुट पहले डाले, इनपुट में वैल्यू सबमिट का, ठीक है। यहाँ जो वैल्यू तो सबमिट सॉरी टाइप, टाइप छूट गया, टाइप यहाँ हम डाल देते हैं, टाइप क्या है सबमिट,
और वैल्यू हम डाल देते हैं एडमिट का, एडमिट का, और इससे हम कर देते हैं बंद, रिफ्रेश, ये बाहर चला गया। वो इसलिए क्योंकि हमने इसके बाहर बना दिया इसको। इसलिए बाहर चला गया था कंट्रोल वी। अब इसके अंदर आ गया ये एडमिट, ठीक है, ये बटन का काम कर रहा है। हम इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। ये हमारा सेम था, हमें ये ऐसा दिख रहा है, अगर हम इसे हटाएंगे तो ये भी हट जाएगा। हमें इसे थोड़ा और बड़ा करना था, हमें डाल देते हैं एडमिट नाउ, ठीक है। और हमें इसे रिफ्रेश करते हैं, ये बटन बढ़ गया साइज, ठीक है, ये अब ऐसा दिख रहा है हमें, बट परफेक्ट नहीं दिख रहा है। इसे हम क्या करेंगे, इसलिए हम बॉर्डर अब हम हटा देंगे, बॉर्डर डालते हैं ज़ीरो, ज़ीरो कर दिया, हट गया ये इधर उधर भागा हुआ लग रहा है, ठीक है। हम इसे पहले सही करते हैं, पहले क्या करते हैं, हम सबको इस साइज में बनाते हैं, लास्ट नेम के ये दोनों बराबर है। ईमेल का थोड़ा साइज कम करनी है हमें, ईमेल का इमेज यहाँ साइज 50 है, 48, रिफ्रेश करो, कम हुआ, कम हुआ, और कम होना चाहिए 45, ज़्यादा कम हो गया 47, सिक्स पॉइंट एट, मच बेटर, ठीक है। एड्रेस के टाइप पे आते हैं, एड्रेस में हमने ये डेल का 48 लिख रखा है, हम यहाँ डालते हैं, थोड़ा कम करते हैं इसको, 46.8, रिफ्रेश, ये इसके बराबर हो गया, ठीक है। सिंपल से हमें इसके बराबर करना था, हम इसको कर दिए, और हम क्या करते हैं इसमें थोड़ा और करते हैं, और क्या करें, हाँ हम इसका बीजी कलर देते हैं, बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं, जिससे कि वो थोड़ा नॉर्मल डिस्प्ले हो। बॉडी कहाँ गया, बॉडी मैंने टेबल में, टेबल के अंदर हम डाल देते हैं बीजी, बीजी कलर यूडीडी, ये होता है हल्का ग्रे होता है, कुछ ज़्यादा ही ग्रे हो गया, ये तो दिख ही नहीं रहा। मैं ऐसे वैल्यू पास कर देता हूँ इसमें ग्रे, ठीक है, या मच बेटर, ठीक है। इसकी हाइट वेट तब हटा दो, ज़रूरत है नहीं तो हटाते हैं, देखते क्या होता है, भगता है इधर उधर नहीं, बट ये क्या हो गया, अपने हिसाब से ये एडजस्ट हो गया, ठीक है। हमें इंस्पेक्ट करके देखना है, ये थोड़ा साइज हम इसका कम करना चाहे तो कर सकते हैं, ये भी साइज घट गया थोड़ा, इंस्पेक्ट करते हैं, इस पे आए, बॉक्स पे आते हैं हम पहले, चलिए इसे अभी इग्नोर करते हैं, ये तो ऐसा डिस्प्ले हो रहा है। और हम इसमें डाल देते हैं कंट्रोल जेड करते हैं, ये ऐसा ही मच बेटर है, ठीक है। इसकी विड्थ थोड़ी कम कर दो, विड्थ इसकी कितनी है 400 है, तो हम कर देते हैं इसको 350, 50 थोड़ी कम हो, अब कुछ कम नहीं हो रहा, तो ये कम नहीं हो रहा, ये यहीं तक है जैसा भी है, ये यहाँ तक रहेगा।
और हमें इसमें अब सब कुछ हमें वैल्यू पास करनी है, तो हम वैल्यू पास कर सकते हैं, ये सारे इक्वल साइजेस में हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर हमारा यहीं तक था। हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है, हम इसमें वैल्यू नाम डाल सकते हैं, नाम अमन डाल दिए, इसमें डाल देते हैं हम सिंह SINGH। हम यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं, हमें कब कब का चूज़ करना है, 2022 में जाना है, कहाँ जाना है वो हम चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 2016 अक्टूबर 22 हम कुछ भी चूज़ कर लिए। मेल फीमेल हम मोबाइल नंबर हम यहाँ डाल सकते हैं, जैसे मैं ये डाल सकता हूँ, ये डाल सकता हूँ। ईमेल आईडी यहाँ डाल सकते हैं, यहाँ पे एड्रेस सेलेक्ट, एनी स्पेशल कोर्स। ठीक है, चूज़ फाइल, अगर सारा इन्फॉर्मेशन सही है देन ये एडमिट नाउ। ठीक है, ये जाके किसी के बैकएंड में शो हो जाए, सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये लेक्चर हमारा यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कुछ नए इंटरेस्टिंग चीज़ें जानेंगे, और हम जल्दी CSS ट्यूटोरियल भी स्टार्ट करने वाले हैं। हम एक या दो प्रोजेक्ट और बनाएंगे, मैक्सिमम दो प्रोजेक्ट हम बनाएंगे, मिनिमम एक तो बनेगा ही, बट मैक्सिमम हम दो बनाएंगे, उसके बाद हम देखते हैं। सो तब तक आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।